हेलो एवरीवन, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय एन स्टूडेंट। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन क्या है समझना, टू प्लेन मिरर ऑफ लेंथ एल आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस एल एंड अ मैन एम टू इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम द कनेक्टिंग लाइन ऑफ मिरर्स एज शोन इन द फिगर। अ मैन एम वन इज वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ डिस्टेंस टू एल पैरेलल टू द मिरर्स एट स्पीड यू, देन मैन एम टू एट ओ विल बी एबल टू सी द इमेज ऑफ एम वन फोर टाइम्स। यानी कि बेसिकली क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि टू प्लेन मिरर्स हैं, इन दोनों प्लेन मिरर की लेंथ आपको गिवन है एल एल एंड दे आर केप्ट एल डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से एल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। इनके जो कनेक्टिंग लाइन है, यानी कि जो अपार्ट फ्रॉम एक दूसरे से एल डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, इनसे जो कनेक्टिंग लाइन है इसके बिल्कुल मिड से एल डिस्टेंस पर एक एम टू मैन जो है वो स्टैंडिंग है और इसी से इन दोनों मिरर से पैरेलली यहां पर 2L डिस्टेंस पर एक मैन M2 जो M1 जो है वो u वेलोसिटी से वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि M2 जो है वो M1 की इमेज इन प्लेन मिरर्स में कितने टाइम के लिए देखेगा। क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन को वापस से हम यहां पर रीड्रॉ कर लेते हैं, वापस से मतलब पूरा बना देते हैं ताकि आपको इजिली समझ में आ जाए। देखिए यहां पर हो क्या रहा है, टू प्लेन मिरर्स हैं, ये दो प्लेन मिरर्स हैं, एक ये है L1, एक ये है आपका L1 और ये है आपका L, दोनों L L लेंथ के हैं और दे आर केप्ट L डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से L डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। यहां पर इससे L डिस्टेंस बिल्कुल मिड से यहां से एक M2 जो है आपका यहां पर खड़ा हुआ है और ये भी L है, क्लियर। और एक M2 जो है M1 जो है वो नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड u वेलोसिटी से आ रहा है, ठीक। अब ये जो है एरिया ऑफ विजन पर डिपेंड करता है। देखिए ये जो डिस्टेंस हुई आपकी कितनी हो गई L बाई टू और ये भी कितनी हो गई L बाई टू, क्योंकि ये जो टोटल डिस्टेंस है एक दूसरे से L डिस्टेंस पर रखे हुए हैं तो टोटल डिस्टेंस L है और ये भी L है आपका, ये भी L है, ये L इज गिवन टू यू, दिस वन इज ऑल्सो L इज गिवन टू यू। देखिए M1 की इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा ये समझते हैं हम। M1 M2 जो है वो M2 की इमेज वर्चुअल बनेगी, यानी कि पीछे की तरफ बनेगी क्योंकि प्लेन मिरर्स हैं, प्लेन मिरर हैं तो वही रेज जो है एक्चुअली मीट होती हुई, या एक्चुअली मीट नहीं होगी, अपीयर्स टू मीट होगी, वर्चुअली बनेगा। तो यहां से L है तो L डिस्टेंस पर ही आपकी इमेज का फॉर्मेशन होगा यहां पर, ये L डिस्टेंस पर। अब हम यहां पर एरिया ऑफ विजन निकाल लेते हैं कि कितना एरिया ऑफ विजन होगा। तो एरिया ऑफ विजन क्या है कि एक रे तो आपकी M2 से यहां जाएगी, यहां से रिफ्लेक्टर के बाद इस तरीके से निकल जाएगी, एक रे जो है आपकी यहां पर जाएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद इस तरीके से निकल जाएगी। बेसिकली आपकी रेज जो है वो मीट कहां होगी, वो मीट होगी पीछे की तरफ, यहां पर इस जगह पर, यहां पर मीट होगी आपकी और यहां पर आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। देखिए मैंने जो ये इमेज ऊपर वाला जो बना रहे हैं हम, बिल्कुल सिमेट्रिकली सेम एज इट इज नीचे बनेगा, तो हम पहले ऊपर वाला निकाल लेते हैं और उसका जस्ट डबल कर देंगे तो सेम सिमेट्रिकल है, दोनों सिमेट्री है दोनों में, तो डबल हो जाएगा उसका, वहां वहां तक इमेज दिखाई देगी। देखिए एरिया ऑफ विजन आपका ये वाला है, एरिया ऑफ विजन जो है आपका कौन सा है, एरिया ऑफ विजन आपका ये वाला है, ये वाला पार्ट जो है आपका एरिया ऑफ विजन है। इस वाले पार्ट में आपका क्या है, इस वाले पार्ट में M2 को M1 की इमेज दिखाई देगी, बाकी नहीं दिखाई देगी। तो देखिए यहां से मैं क्या करता हूं, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ये लाइन ड्रॉ करके मैंने क्या किया, मैंने यहां से इस वाली पूरी डिस्टेंस को मैंने मान लिया है y, पूरी डिस्टेंस को यहां से लेकर यहां तक की पूरी जो डिस्टेंस है, यहां से लेकर यहां तक की पूरी डिस्टेंस को मैंने मान लिया है y और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को मैंने मान लिया है x। तो जो आपका एरिया ऑफ विजन होगा, यानी कि जहां जहां आपका m1 दिखाई देगा वो m1 यहां से यहां तक दिखाई देगा, तो एरिया ऑफ विजन ये वाला हुआ, ये कितना है, पूरे y में से x को माइनस कर दीजिए, तो यहां पर एरिया ऑफ विजन कौन सा होगा आपका, y माइनस x, यहां पर आपकी इमेज जो है वो दिखाई देगी। अब हमें बेसिकली निकालना क्या है, हमें ये निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है हमें, यहां से यहां तक का ये वाला पार्ट निकालना है। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, इसके लिए हमें यहां पर ये दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, हमें क्या कर रहे हैं हम यहां पर, एक ये मान लीजिए आपका ये जो ट्राइंगल एक ये है, मान लीजिए ये जो एंगल है ये एंगल आपका थीटा वन मान लो और ये वाला जो बड़ा वाला एंगल है ये इस एंगल को मैं थीटा टू मान लेता हूं। यहां से मैं क्या करूंगा, टेन थीटा वन और टेन थीटा टू निकालूंगा। देखिए टेन थीटा टू जो है वो दो एंगल, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है और एक ये छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो वहां से हम थीटा वन या फिर वाई
और x की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। बेसिकली हमें करना क्या है कि हमें यहां से इस पूरे y में से x को माइनस कर देना है, तो हमें एरिया ऑफ विजन मिल जाएगा। और y और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। y और x की वैल्यूज को कैसे किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे समझना। देखिए tan theta 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए tan theta 1 पूरा है, ये छोटा है, सॉरी tan theta 2 निकाल लेते हैं पहले, tan theta 2 इक्वल टू, देखिए क्या होगा tan theta 2 इक्वल टू, देखिए पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं है ना, तो ये यहां से यहां तक की लेंथ है आपकी पूरी गिवन है आपको 2l, यहां से यहां तक की पूरी लेंथ आपको गिवन है 2l है ना, और यहां से यहां तक की लेंथ l है, ये लेंथ l है आपकी, तो थीटा 2 कितना होगा tan थीटा 2 परपेंडिकुलर हो गया आपका यहां से लेकर यहां तक का y, क्योंकि पूरा एंगल ले रहे हैं, तो ये y अपॉन पर बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना हो गया l l l 3l, तो ये हो गया आपका 3l tan थीटा 2 आ गया। और एक tan थीटा 2 आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए इसे, और एक tan theta 2 आप इस छोटे वाले ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, तो छोटे वाले ट्रायंगल से क्या होगा tan theta 2 इक्वल टू ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इससे निकालिए, तो छोटे वाले ट्रायंगल से क्या होगा ये अपॉन ये आ जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना है l by 2 प्लस l कितना हो गया 3l by 2, तो ये हो गया आपका 3l by 2 अपॉन अपॉन में क्या आ जाएगा अपॉन में ये, तो लेंथ अपॉन में आ जाएगा आपका l, तो ये l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपका 3/2, ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। इक्वेशन नंबर सेकंड और इक्वेशन नंबर फर्स्ट को आप इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट करेंगे तो यहां से आपकी y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को हम क्या कर देते हैं इक्वेट कर देते हैं, यहां से इक्वेट करेंगे तो y अपॉन 3l इक्वल टू 3/2 आ जाएगा, और यहां से कितना आ जाएगा यहां से आ जाएगा आपका y इक्वल टू 9l/2 आ जाएगा। देखिए एक वैल्यू तो हमारे पास निकल कर आ गई y की 9l/2, ये y की वैल्यू निकल कर आ गई। अब हमें x की वैल्यू और फाइंड आउट करनी है, और x की वैल्यू को हम y की वैल्यू से माइनस कर देंगे, y में से x को माइनस कर देंगे, तो हमें एरिया ऑफ विजन मिल जाएगा। हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो देखिए x की वैल्यू के लिए कैसे निकालेंगे, ये रहा tan थीटा 1 से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये आपका ये tan थीटा 1 है, tan थीटा 1 इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो हो गया आपका x, और बेस कितना हो गया वही आपका 3l, तो यहां से परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो गया समझना भाई, tan थीटा 1 इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां से tan थीटा 1 इक्वल टू x बाई कितना हो जाएगा 3l, और एक और tan थीटा हम निकाल सकते हैं, देखिए यहां से tan थीटा 1 फिर से निकाल सकते हैं, ये देखिए आप ये तो हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये तो परपेंडिकुलर x हो गया, ये 2l और ये l 3l हो गया, एक ये छोटे वाला ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, तो छोटा वाला ट्रायंगल में ये तो हो गया परपेंडिकुलर l by 2 और बेस हो गया कितना l, तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं कितना यहां से हम निकाल सकते हैं tan थीटा 1, ये तो हो गया, आप इसको इक्वेशन नंबर कौन सा दे दीजिए इक्वेशन नंबर आप इसको दे दीजिए थर्ड, और tan थीटा 1 इक्वल टू हो जाएगा आपका l by 2 अपॉन l, l से l का कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से होगा आपका l by 2, ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी आपकी फोर्थ, इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ को आप इक्वेट कर दीजिए, यहां से इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन नंबर फोर्थ को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा x by 3l इक्वल टू 1/2, तो यहां से आपकी x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी कितनी 3l/2। देखिए हमने यहां से x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है, y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है, अब एरिया ऑफ विजन निकालना है, तो एरिया ऑफ विजन कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ विजन कैसे निकलेगा आपका, निकलेगा y माइनस एक्स, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है आपकी 9l/2, और यहां पर x की वैल्यू कितनी है 3l/2, तो यहां से आपका क्या निकल कर आ जाएगा, यहां से आपका एरिया ऑफ विजन निकल कर आ जाएगा 6l, एरिया ऑफ बाय यानी कि 6l 3l निकल कर आ जाएगा आपका 3l, यहां से आप 2LCM लेंगे तो 2LCM लेंगे तो 9L-3L तो 6L/2, तो वहां से 3L आपका एरिया ऑफ विजन निकल कर आ जाएगा। देखिए एरिया ऑफ विजन निकल कर आया आपका 3L,
ये वाली जो लेंथ है आपकी, ये वाली लेंथ आपकी कितनी निकल कर आई है, ये वाली जो लेंथ है आपकी, ये वाली लेंथ आपकी निकल कर आई है 3L। ठीक, यहां से ये जो लेंथ निकल कर आई है आपकी, ये लेंथ आपकी निकल कर आई है 3L, ये 3L। यानी कि यहां पर, और सेम एज इट इज यहां से इस वाले के लिए भी होगा, जो नीचे वाला होगा इस नीचे वाले के लिए भी यहां पर एरिया ऑफ विजन होगा इस जगह, और वो भी कितना निकल कर आएगा आपका 3L। तो यानी कि टोटल कितना हो गया आपका एरिया ऑफ विजन 6L हो गया है। तो 6L आपका एरिया ऑफ विजन हो गया है। और टाइम आपको कितना टाइम फाइंड आउट करना है कि कितने टाइम के लिए आपका यहां पर इमेज का जो है वो देखी जाएगी। तो जो टाइम आपको फाइंड आउट करना है, तो टाइम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे आप, टाइम इक्वल टू होगा आपका डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड आपको गिवन है कितनी u, और डिस्टेंस कितनी हो गई, इसका जस्ट डबल कर दीजिए आप, कितना हो गया 6L। तो यहां हो गया टाइम, टाइम इक्वल टू हो गया आपका कितना 6L बाय u। स्पीड u, वेलोसिटी आपको गिवन है, तो यही आपका आंसर होगा। इतने टाइम के लिए आपकी जो m1 की इमेज है वो मिरर में m2 जो है वो देख पाएगा, इतने टाइम के लिए 6L बाय u, दिस इज योर आंसर। इसी तरीके की अगर आपकी क्वेरीज हैं तो आप इस क्वेरीज को आप मुझे सेंड कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और मैं आपके इसी तरीके से सॉल्यूशंस को सेंड कर